हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीके गेमिंग में। तो दोस्तों, आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने कवर स्टोन कलेक्ट कर उन्हें फर्नेस में रखकर स्टोन बनाए थे, फिर स्टोन से स्टोन ब्रेक और उससे ही हमारा छोटा सा घर बनाया था। तो आज मैं इस घर को अपडेट करूँगा और अपने अपने लिए सामान वगैरह बनाने के लिए माइनिंग में भी चलेंगे। तो उससे पहले मैं अपने लिए एक पिकेक्स बना लेता हूँ आयरन की, जिससे यदि मुझे कहीं डायमंड मिल जाएंगे तो मैं वहाँ से उसे कलेक्ट कर सकूँ। और यहाँ से मैं एक ये क्राफ्टिंग टेबल ले सकता हूँ, मैं तो वहीं पर बना लूँगा मैं। और ये अपना बचा हुआ आयरन वापस रख देता हूँ इसमें। तो मैं एक और पिकेक्स बना लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ये स्टोन की बना लेता हूँ पिकेक्स, अब चल लेता हूँ। और ये मेरे पास खाना होगा, खाना नहीं है तो मैं इससे ये वीट निकाल कर इसमें ब्रेड बना लेता हूँ। ये यहाँ पर ये और ब्रेड बना लेता हूँ मैं, बस इतने बहुत है। और ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर बना लूँगा मैं एक क्राफ्टिंग टेबल लेके चल बना लूँगा मैं वहाँ पर। इधर सैंड की तरफ चलते हैं। और यदि हमें यहाँ पर एक और विलेज मिल जाएगा तो मज़ा से। और ये क्या है भाई दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक रिवाइन मिल चुकी है। तो अब मैं इसमें नीचे चल लेता हूँ। इसमें नीचे चलने से पहले मैं टॉर्च बना लेता हूँ। टॉर्च को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो सीधा पानी में जाना होगा वरना मैं मेरा बहुत डैमेज है। बस मैं यहाँ पर सुरक्षित आ चुका हूँ। यहाँ पर मुझे गोल्ड तो दिख चुका है और मैं गोल्ड को कलेक्ट करने के लिए इसे बाहर निकाल देता हूँ। ये रही आयरन की पिकेट। यहाँ से मुझे लेपिस भी मिल गया और रेड स्टोन। ये लेपिस कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। पहले अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। ये रहा, इससे लेपिस तोड़ लेता हूँ मैं। और यहाँ से रेड स्टोन भी तोड़ लेता हूँ। ये रहा रेड स्टोन। एक और ये रहा और इसके इधर भी। ये रहा थोड़ा बहुत और रेड स्टोन। बस अब थोड़ा आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ लावा है और थोड़ा बहुत आयरन मिल जाएगा तो आयरन भी कलेक्ट कर लूँगा मैं। नीचे भी थोड़ा बहुत रेड स्टोन पड़ा है। ओहो, यहाँ पर मुझे डायमंड मिल गए, तो इस डायमंड को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। दो और आगे भी है।
और पहली बार में डायमंड, पहली बार माइनिंग में निकला था, पहली बार में डायमंड, बस अब मुझे मरना नहीं है। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल बनाकर चेस्ट बना लेता हूँ, बस एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पर रख देता हूँ। अब इसे यहाँ रखने के बाद मैं एक चेस्ट बना लेता हूँ, ये रही चेस्ट, इसको यहाँ पर रखता हूँ। अच्छा यहाँ पर टॉर्च लग रही है इसलिए नहीं रखा, तो यहाँ पर लेपिस और रेडस्टोन रखकर डायमंड भी रख देता हूँ, गोल्ड, और बस अब यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ मैं दोबारा और फर्नेस बना लेता हूँ। ये रहा फर्नेस, इस फर्नेस को रखा यहाँ पर और गोल्ड को यहाँ, ये यह आयरन यहाँ रख देता हूँ। यहाँ पर लावा तो है, यदि मैं इसमें गया तो सारा सामान बेकार चला जाएगा। मुझे लगता है रात हो ही गई, ये देखो रात हो गई है बाहर, और ये आपको पता ही है कि अगर मैं रात में गया बाहर तो क्या करने वाले हैं ज़ॉम्बी मेरे साथ। यहाँ पर थोड़ा बहुत और आयरन होता तो मैं अपना टेस्ट प्लेट के साथ साथ कुछ और ही बना लेता, अपने 8 इंगट से टेस्ट प्लेट का काम तो हो जाएगा, और फिर बाद में मिलेंगे तो और बना लूँगा मैं। अभी से होने देते हैं, धीरे धीरे हो रहा है। तब तक बाहर जाकर मैं कुछ देख कर आता हूँ। ये ऊपर तो बिल्कुल, यहाँ पर एक और माइन, यहाँ पर मुझे ज़ॉम्बी तो नहीं दिख रहे और दिखने भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास वेस्ट वेस्ट या कोई और सामान बिल्कुल नहीं है जिससे मैं अपने आवाज़ आई। अब ये मुझे यहाँ आकर धप्पा कर देंगे, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर अपने लिए कवर बना लेता हूँ। बस इधर से लावा है तो इधर से आ नहीं सकते हो, खोल लिए। दो आयरन और यहाँ से मिल गए और कुछ यहाँ पर, वहाँ पर है लेकिन यहाँ पर लावा है। लावा का रिस्क कोई लेना नहीं चाहता है, और आपको तो पता ही है कि यदि मैं इस लावा में गिर गया तो कुछ भी सामान मुझे नहीं मिलेगा। गिर गए नीचे यार, इतना गहरा है ये, ओ थोड़े बहुत डायमंड वहां पर भी है और थोड़े बहुत यहाँ पर भी। वाह मजे आ गए, वास्तव में बहुत सारे डायमंड मिल गए मुझे। मतलब गाइस मजे आ गए मजे, देखो ऊपर भी है यहाँ पर भी है। अब मैं इसे जल्द से जल्द कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर
मुझे इस लावा से बस कर निकलना होगा, वरना मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा लावा। यार मतलब पहली ही कोशिश में इतने सारे डायमंड है यार, पहली ही कोशिश में दो यहाँ से और यहाँ पर भी है, तीन हो गए और आगरा में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। अब मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इतना सामान तो ही गया होगा जिससे मैं अपने डायमंड की स्वॉर्ड बना सकूँ। और फिर जब हम इन स्केलेटन्स को जो मारेंगे ना वास्तव में मजा आ जाएगा। बस इसी से तो बचकर निकलना है, बाकी सबसे बच्चा है लेकिन इससे नहीं बचेंगे। थोड़ा बहुत आयरन और कलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं बाहर निकल लेता हूँ। भाई कोई है तो नहीं ना यहाँ पर? ओह आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है, लेकिन 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 यार क्राफ्टिंग टेबल मैंने वहाँ पर रखा है, एक और बना लूँ, एक और बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल। इसको 11 डायमंड यहाँ पर, 5 16 डायमंड यार, तो इसको यहाँ पर एक और करना है। ओ भाई डायमंड्स पहली कोशिश में यार, मुझे तो उस पर मजा आ रहा है पहली कोशिश में यार। तो यहाँ से मैं आयरन यहाँ पर रखकर, कोल नहीं है, कोल होना चाहिए यार। अब थोड़ी ये इन्हीं से काम चला लेता हूँ अभी, तो फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो एक खाना भी खा लेता हूँ। यार आगे चल लेता हूँ मैं, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, तो दिन हो चुका है यार, दिन हो चुका है। एंडर में ना उसकी आंखों में नहीं देखना, यदि उसकी आंखों में देखा तो समझ लो गया हूँ, मेरे सारे डायमंड चले गए। यहाँ पर 11 पूरे 16 डायमंड हो चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं चल लेता हूँ यहाँ से इसको उठाकर, और इसको भी तोड़ लेता हूँ। बस अब यहाँ से निकल लो, बस अब आगे ऊपर चलना होगा मुझे। तो अपने एक टेक और रिटर्न बाहर निकल रहे हैं इसको निकाल कर। चलो भाई दोस्तों यहाँ पर से मैं बाहर निकल चुका हूँ। तो हमारा घर इधर था, किधर था मुझे तो इधर लगता है, तो मुझे वापस बिल्ड करके वहाँ पर जाना होगा। और यदि मैं नीचे गिरा तो आपको बताइए भाई क्या होगा मेरा। यार मैं पहले ही गलत बिल्ड करके आ गया, गिरना नहीं चाहिए, बस गिरा तो मुझे वापस बिल्ड करके इतना ऊपर आना पड़ेगा। तो यार सीधा ये माइंड सीधा वहाँ पर लेके जा रही है यार।
को यहाँ पर निकाल कर, भाई रात और हो रही है, मुझे अपनी टेंशन नहीं, अपने डायमंड्स की टेंशन है। बस तू हटो, जल्दी चलो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जल्दी भाई। आने वाले मित्र आने वाले, चलो चलो ये बंद, ये अब जाकर कुछ अच्छा फील हो रहा है मुझे। यस तो दोस्तों आज के लिए बस इतना यार, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना।